मैं पवन सर, यूएचएस तेतरिया पतलगड्डा चतरा का गणित और विज्ञान का शिक्षक हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि कुछ ही दिन में 9th क्लास का एग्जाम होने वाला है, आज हम लोग 9th क्लास का मैथ सब्जेक्ट का मॉडल सेट का सलूशन देखने जा रहे हैं। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीका से, फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ फुल कॉन्सेप्ट में समझेंगे क्वेश्चन को, ताकि उससे जितना भी संबंधित क्वेश्चन हो वो सभी आपसे बन जाए और आप बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाएं अपना एग्जाम में। समझे? देखिए, कुछ लिखा हुआ बाबू, जैसे हम क्लास में भी बार बार बोलते हैं, हर क्लास में, खास करके 9th 10th क्लास के स्टूडेंट को हम हमेशा बोलते रहते हैं, हर दिन बोलते हैं कि अगर नाम कमाना, अपना पहचान बनाना है, घर का नाम रोशन करना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, गांव समाज डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम रोशन करना है, तो कुछ करके दिखाना होगा। हम लोग जैसा आदमी को कुछ करके दिखाने का एक ही उपाय है और वो है पढ़ाई। पढ़ना होगा, जबरदस्त पढ़ना होगा, खतरनाक तरीके से पढ़ना होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा, हर बात को समझना होगा, बहुत बारीकी से समझना होगा, जाकर के आप अच्छा रिजल्ट लाओगे। और जब अच्छा रिजल्ट लाओगे तब वहां से आपका पहचान नाम बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप सक्सेस की रास्ता की ओर आगे बढ़ जाओगे और जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाओगे। इसलिए हम लोग को पढ़ना है, मेहनत करके पढ़ना है, अच्छे तरीका से पढ़ना, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो, उसको बेहतरीन ढंग से सुनना है, समझना है, जानने का कोशिश करना है। और आप तो जानते ही हो कि मैथ और फिजिक्स के लिए आप हमेशा मेरे साथ कभी भी किसी टाइम जुड़ सकते हो, और जहां भी कोई दिक्कत, किसी तरह कोई परेशानी बुझाए, आप जरूर हमको बताएं, आपको तुरंत सलूशन मिल जाए। समझे? तो चलिए, आज हम लोग इसी बातों के साथ 9th क्लास का मैथ सब्जेक्ट का मॉडल सेट का सलूशन देखेंगे, वो भी बहुत सिंपल भाषा में, आसान तरीका में, जल्दी जल्दी, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। पहला क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखा है, बोलता है ये 4 में से कौन परिमेय संख्या। बाबू, इसके पहले वाला वीडियो में हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। देखिए फटाफट, इसमें 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है √2, दूसरा ऑप्शन है पाई, तीसरा ऑप्शन है 0.01, फिर 0.01, फिर 3 गो 0 है, फिर 1... और चौथा ऑप्शन है रूट के अंदर में 225, जिसका मान निकल के कितना हो जाएगा 15। तो कहता है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। बाबू, पहला परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर में अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या होता है। बाबू, पाई भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो है कभी खत्म नहीं होता है, बिना नियम शर्त का आता है, इसलिए पाई भी अपरिमेय संख्या है। ये खुद आप देख लो, अपरिमेय संख्या ना कभी खत्म हो रहा है, बिना कोई शर्त नियम के आ रहा है, जैसे मन वैसे आ रहा है, ये भी आपका कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये रूट के अंदर में 225 जो है, इसका रूट निकल गया 15, और 15 कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब पहला का ऑप्शन कौन होगा, √225, क्योंकि पहला में पूछा कौन परिमेय संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, √225। समझे? बाबू, दूसरा नंबर में बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखा है, 3 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या स्थित है, वो आपको निकाल के बताना है, और वो 4 ऑप्शन दे रखा है, बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। अरे हम लोग जानते हैं कि कभी भी आपको 2 परिमेय संख्या पता हो, उसके बीच का अगर आपको परिमेय संख्या पूछे, बहुत आसान, दोनों परिमेय संख्या को जोड़ दो और दूसरे भाग दे दो। कभी भी 2 परिमेय संख्या पता है, उसके बीच का परिमेय संख्या पूछेगा, तो दोनों परिमेय संख्या को जोड़ देना है, जो आपको दे रखा है, जो दिया गया है, जो पता है, दोनों को जोड़ दीजिए, उसमें 2 से भागा दे दीजिए, उसके बीच का परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन में 3 और 4 दे रखा है, तो 3 और 4 को जोड़ देंगे, 2 से भागा दे देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 7/2, यही हो गया आंसर। तीसरा नंबर में √5 - √2 × √5 + √2 दिया हुआ है, कहता है इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब क्या आंसर आएगा, कैसे सॉल्व होगा। बाबू देखिए, a - b a + b का फॉर्मूला में दिख रहा है, अगर हम इसको a माने, इसको b माने, तो वही चीज वो देखिए, तो यहां भी है,
यहां माइनस में है, यहां प्लस में है, तो हम लोग जानते हैं कि ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, और ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर रूट में है उसको स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है। रूट रूट पांच का स्क्वायर कितना होगा, पांच। रूट दो का स्क्वायर कितना होगा, दो। पांच में से दो गया, कितना आंसर आएगा, तीन। चौथा नंबर में 32 का पावर 2/5 दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कभी भी कोई संख्या का पावर बटा में रहता है बाबू, तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखो बहुत गौर से सुनो, समझने का कोशिश करो। कभी भी कोई संख्या का पावर बटा में रहेगा तो जिस संख्या का पावर बटा में रहेगा यानी अंदर वाला संख्या को हम लोग पावर में बदलने का कोशिश करेंगे। अंदर वाला संख्या को किसमें बदलने की कोशिश करेंगे, पावर में बदलने का कोशिश करेंगे। अब ये कौन संख्या का पावर करेंगे कि ये 32 आ जाएगा। अब जो संख्या का पावर करने के बाद 32 आता है वो संख्या हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे। बताइए 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा कि नहीं, हाँ या ना बोलिए। अंदर में जो संख्या रहेगा उसको पावर में लिखने की कोशिश करेंगे। अब वो जो संख्या के पावर से आएगा वो संख्या का पावर लिख देंगे, समझे आप। पता चलेगा कि जो पूरे का पावर में था उसका बट्टा और अंदर वाला संख्या का पावर दोनों आपस में कट जाएगा। जो पूरे संख्या का पावर था उसका बट्टा और अंदर वाला जो आप लिखे उसका संख्या का पावर दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। बचा कितना बाबू, 2 का पावर 2, यानी इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। कितना आसान। पांचवा नंबर में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, 4 वो ऑप्शन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। देखिए आपको हम बताते हैं बहुपद नहीं होने के लिए क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है, क्या क्या शर्त है, वो शर्त जरूर याद रख लो। आपको कभी भी कोई भी किसी भी एग्जाम कहीं भी पूछा जाए आप भी आसानी से बता दोगे कौन इनमें से बहुपद नहीं है। बाबू कभी भी चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर चर का घात ऋणात्मक रहेगा वो बहुपद नहीं होगा, समझ गए। दूसरा बात बाबू, कभी भी चर का घात बट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। किसी भी समीकरण में अगर चर का घात आपको बट्टा में दिख गया है ना, पी बाय क्यू के रूप में दिख गया, अंश बटा हर के रूप में देख लिया, वो समीकरण कभी भी बहुपद नहीं होता है। किसी भी समीकरण में आपको चर का घात माइनस में लिखा हुआ दिखा, ऋणात्मक लिखा हुआ दिखा, नेगेटिव लिखा हुआ दिखा, वो कभी भी बहुपद नहीं होता है। कभी भी चर डिनोमिनेटर में नहीं लिखा होना चाहिए, हर में नहीं लिखा होना चाहिए। कोई समीकरण में चर नीचे लिखा हुआ, हर में, बट्टा के नीचे लिखा हुआ, बट्टा में लिखा हुआ, बट्टा में, वो कभी भी बहुपद नहीं होता है। जैसे कहीं एक्स का पावर माइनस 2 लिख दिया, पूरा लिख दिया, पूरा इधर लिखा प्लस में, लेकिन किसी एक चर का घात माइनस में लिख दिया, बहुपद नहीं होगा। पूरा घात लिखा प्लस में, पूरा घात लिखा प्लस में, यहां घात लिख दिया 3/2 बट्टा में, बहुपद नहीं होगा। पूरा इधर बढ़िया लिखा, पूरा इधर बढ़िया लिखा, इधर लिख दिया 1/x, बहुपद नहीं होगा। कभी भी चार का घात रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, अगर रूट में रहेगा वो भी बहुपद नहीं होगा। सुनिए बहुपद नहीं होने का क्या क्या कारण, फटाफट सुनिए, देखिए बहुपद नहीं होगा। कब बहुपद नहीं होगा, घात माइनस होने में बहुपद नहीं होता है। कब बहुपद नहीं होगा, जब घात चर का बट्टा में हो। कब बहुपद नहीं होता, जब चर रूट में लिखा हो। कब बहुपद नहीं होता, जब चर बट्टा में लिखा हो, बट्टा में नीचे हर के जगह पर लिखा हो, तो वो कभी भी वैसा समीकरण बहुपद नहीं होता है। खुद बता दो पांचवा में कौन बहुपद नहीं होगा,
नहीं होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में वाई जो चर है उसे बट्टा में लिख दिया गया, हर में लिख दिया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। अब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो ये सारा बात ध्यान रखिएगा, आप आसानी से उस क्वेश्चन को बना सकते हो, सही ऑप्शन मार सकते हो। छठा नंबर में x माइनस टू का शून्य पूछ रहा है, शून्य x माइनस टू का क्या पूछ रहा है, शून्य। बाबू किसी भी समीकरण या किसी भी बहुपद का अगर शून्य पूछे, इसका मतलब उस बहुपद से चर का मान पूछ रहा है, उस बहुपद से क्या पूछ रहा है, चर का मान, उस बहुपद में जो चर है ना उपस्थित उसका मान पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, दिया हुआ बहुपद को फटाक समर जीरो लिखेंगे, उसके बाद वहां से चर का मान निकालेंगे, जो चर का मान आएगा वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इस बहुपद का शून्यक बताएं, इसका शून्यक निकालें, इसका शून्यक क्या होगा, फटाफट उसको जीरो के बराबर लिखो और किसका मान निकालो, चर का, जो चर का मान आएगा वही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। कितना आसान। क्वेश्चन नंबर सातवां में एक बहुपद दे दिया गया है बाबू, बोलता है इसका घात क्या होगा। हम लोग जानते हैं बाबू कि कोई भी बहुपद का जो घात होता है उस बहुपद में उपस्थित चर का जो सबसे अधिकतम घात होता है वही घात उस पूरे बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। नहीं सुने, सुनो जल्दी, देखो इधर बाबू, किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, तो उस बहुपद में पूरे चर को देखेंगे, किसको देखेंगे, पूरे चर को देख लो एक बार, देख लो और देखो किस चर का अधिकतम घात है। घात मतलब पावर, पावर मतलब जो कपार पर लिखल रहेगा, कपार पर, एक्स के कपार पर, वाई के कपार पर, जेड के कपार पर, जो ऊपर में लिखल रहेगा, देखो सबसे बड़ा कितना लिखल है ऊपर में, चार, कितना लिखा हुआ है, चार, इसका मतलब इस बहुपद का घात कितना होगा, चार होगा। समझे, इस बहुपद का घात कितना होगा, चार होगा। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा बना लोगे, सबसे अधिकतम घात जो दिखेगा चर का वही घात उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। आठवां क्वेश्चन में बाबू दो को बहुपद दे दिया गया है, पहला बहुपद है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दूसरा बहुपद है एक्स प्लस वन। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर हम एक्स प्लस वन बहुपद से इस बहुपद में भागा देंगे तो शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, सो पूछ रहा है। बोल रहा है कि इस बहुपद में अगर हम x प्लस वन से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा, सो पूछ रहा है। बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाते हैं बाबू, जिससे भागा देना है उसको फटाफट हम लोग जीरो के बराबर लिखेंगे, कितना के बराबर लिखेंगे, जीरो के बराबर। जीरो के बराबर लिखने बाद x का मान निकालेंगे, चर का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, x का। अब उस जो x का मान आया, जो चर का मान आया, उसको जिसमें भागा देना है उसमें बैठा देंगे, जिसमें भागा देना है उसमें बैठा देंगे। बैठाने बाद इसको हल करेंगे, जो भी संख्या आएगा वही शेषफल का आंसर होगा, जो भी संख्या आएगा वही किसका आंसर हो जाएगा, शेषफल का। क्या बोले, फिर से सुनो, जिस बहुपद से भागा देना है उसको तुरंत जीरो के बराबर लिखना, किसका मान निकालना, चर का, एक्स का मान निकालना, जो भी मान आएगा उसको बैठा देना दिया गया बहुपद में, यानी जिसमें भागा देना यानी बड़का बहुपद में बैठा देना। बैठाने बाद हल करना, जो भी संख्या आएगा, जो भी उत्तर आएगा वही शेषफल का उत्तर हो जाएगा। देखिए, इससे भागा देना था, फटाफट जीरो किए, एक्स का मान निकाले, माइनस वन आया, माइनस वन को यहां बैठा दीजिए, माइनस वन का पावर तीन, माइनस वन का पावर दो, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन का पावर तीन माइनस वन, माइनस वन का पावर दो वन, यहाँ माइनस वन, यहाँ प्लस वन, देखिए कट गया, कितना आ गया, जीरो। यानी इस क्वेश्चन का शेषफल का आंसर कितना होगा, जीरो। यानी इस बहुपद में अगर हम एक्स प्लस वन से भागा देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, जीरो। और शेषफल जीरो का मतलब पूरा तरह से क्या होगा, कट जाएगा। समझे जी, नोमा में एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है, सो पूछा। कहता है एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक कैसा होता है, किस रूप में होता है, वो आपसे पूछ रहा है। और चार वो ऑप्शन दे रखा है, बोलता है कौन ऑप्शन सही है। बाबू हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहता है तो उस पर वाई का मान क्या होता है, जीरो। किसका मान जीरो होता है, वाई का।
और वाई एच पर कोई बिंदु रहता है तो किसका मान जीरो होता है, एक्स का। किसका मान जीरो होता है, एक्स का। तो एक्स एच पर हो, धनात्मक तरफ हो, तब बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, एक्स कॉमा जीरो। अगर ऋणात्मक तरफ हो माइनस एक्स कॉमा जीरो, अगर वाई पर हो धनात्मक तरफ हो तो जीरो कॉमा वाई, ऋणात्मक तरफ हो क्या होगा, जीरो कॉमा माइनस वाई। तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो भी होगा, माइनस एक्स कॉमा जीरो भी होगा। दोनों अगर दे दिया गया है ऑप्शन में, प्लस माइनस एक्स कॉमा जीरो तो भी सही, ये दिया है तो भी सही, ये भी दिया है तो भी सही। समझ गए, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो प्लस माइनस एक्स कॉमा जीरो बोलेंगे, वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा जीरो कॉमा प्लस माइनस वाई बोलेंगे। प्लस ऊपर की तरफ, माइनस नीचे की तरफ, प्लस इधर माइनस इधर। इसका मतलब नोमा का ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। दसवां नंबर में पूछा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। अरे मूल बिंदु का मतलब जहां दोनों अक्ष काटता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, जहां दोनों काटता है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है बाबू, जीरो कॉमा जीरो। इसका मतलब दसवां का ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। ग्यारह नंबर में पूछा है कि एक बिंदु है जीरो कॉमा माइनस सात, तो कह रहा है ये कहां स्थित है, चार ऑप्शन दिया है, कहां स्थित है सो पूछ रहा है। जीरो कॉमा माइनस सात, बाबू वाई एच पर एक्स का मान कितना होता है, जीरो। हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिंदु में शुरू वाला किसका मान होता है, एक्स का, बाद वाला किसका मान होता है, वाई का। इस बिंदु में शुरू वाला किसका मान है, एक्स का, बाद वाला किसका मान है, वाई का। और अगर कोई बिंदु में शुरू वाला ही जीरो हो यानी एक्स का मान जीरो हो तो वो कौन एक्सिस पर होगा बाबू, कौन अक्ष पर होगा बाबू, वो कौन अक्ष पर होगा बाबू, वाई अक्ष पर। कौन अक्ष पर होगा, वाई अक्ष पर। अब वाई अक्ष पर जब होगा किधर होगा, धनात्मक की ऋणात्मक तरफ। अगर ऋणात्मक में रहेगा वाई का मान तो ऋणात्मक वाई तरफ होगा, अगर धनात्मक में रहेगा वाई का मान तो धनात्मक वाई तरफ रहेगा। और केवल वाई एच दिया है वो भी आपका सही होगा। तो इसके अनुसार 11 का आंसर कौन होगा, डी होगा, वाई एच पर का बिंदु है ये, क्योंकि एक्स का मान कितना है, जीरो। अगर एक्स का मान जीरो रहेगा तो वह बिंदु कहां स्थित होगा, वाई एच पर। कहां स्थित होगा, वाई एच पर, सुने। और अगर वाई का मान जीरो रहता है कहां स्थित होता है, एक्स अक्ष पर। कोई दिक्कत, अगर कोई बिंदु रहता जिसमें दोनों का मान, एक्स और वाई का मान एक संख्या में रहता, कोई भी उसमें से जीरो नहीं रहता, तो अगर दोनों संख्या प्लस में रहता तो कहां होता, प्रथम चतुर्थांश। एक माइनस बाद में प्लस कहां होता, द्वितीय चतुर्थांश। दोनों माइनस में कहां होता, तृतीय चतुर्थांश। शुरू वाला प्लस बाद वाला माइनस कहां होता, चतुर्थ चतुर्थांश। लेकिन कोई भी बिंदु में अगर एक का मान जीरो रहेगा तो अक्ष पर होगा, शुरू वाला जीरो रहेगा तो वाई अक्ष पर, बाद वाला जीरो रहेगा तो एक्स अक्ष पर। क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 12 में बाबू एक्स का मान दिया है, वाई का मान दे दिया है और एक समीकरण दे दिया है, 3x + 2y = k। पूछ रहा है k का मान कितना होगा। बाबू एक समीकरण दे दिया 3x + 2y = k और x का मान दे दिया 1, y का मान दे दिया 2। किसका मान पूछ रहा है, k का मान पूछ रहा है। बहुत आसान है बाबू, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर देके आपको k का मान, a का मान, b का मान, c का मान, r का मान, किसी का भी मान अगर पूछे तो जो समीकरण में x और y दिख रहा है आपको उसके जगह पर दिया हुआ मान को बैठा देंगे और बराबर लेकर के चलेंगे, हल करेंगे, जिसका मान पूछा जा रहा आसानी से निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। कभी भी कोई समीकरण दे करके उसमें x और y का भी मान दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है उस समीकरण से k का मान निकालो, a का मान निकालो, b का मान निकालो, बहुत आसान है। दिया हुआ x और y का मान आपको समीकरण में बैठा देना है, समीकरण में बैठा दीजिए, बराबर को लेकर के चलिए, हल करते चलिए, हल करते चलिए, आपको k का मान, a का मान, b का मान, c का मान, r का मान, जिसका भी मान पूछा आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाने वाले हैं, दिया हुआ समीकरण में x के जगह पर हम लोग कितना बैठाएंगे, 1, y के जगह पर कितना बैठाएंगे, 2। चलिए हल कीजिए, हल कीजिए, k का मान कितना निकल गया, 7। इस तरह बनाएंगे बाबू फटाक से, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा गलत नहीं होना चाहिए, एकदम फटाक से बनाना है, सही से रंगना है, सही से रंगना है,
कुछ करके दिखाना है, नाम कमाना है तो छत से पढ़ना होगा, अच्छा रिजल्ट लाना होगा, कहने वाला को कहने दो, नहीं कुछ करोगे तो भी कुछ कहेगा, कुछ करोगे तो भी कहेगा, इधर उधर के बात में नहीं रहना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। नेगेटिव आदमी लोगों से दूर रहो, राजनीतिक आदमी लोगों से दूर रहो, कभी भी स्टूडेंट को इधर उधर के बातों में नहीं रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच में रहो, आगे बढ़ो, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूरी बना के रखो, हमेशा उसी के साथ में रहो, उसी से बात विचार करो, उसी से पूछने का कोशिश करो जो आपको सपोर्ट करे सच्चे मन से, दिल से, ईमानदारी से, आपको बढ़ना देखना चाहे, आपको आगे बढ़ाना चाहे, आपको सपोर्ट करे, आपको हमेशा साथ देने का कोशिश करे। आप उसी के संपर्क में रहिए, उसी से दिशा निर्देश लेने का, राय विचार लेने का कोशिश कीजिए, समझे। 13 नंबर में पूछा है एक्स अक्ष का समीकरण क्या है। हम लोग जानते हैं एक्स अक्ष का समीकरण कितना होता है, y इक्वल टू जीरो। और अगर y अक्ष का पूछता तो क्या लिखते हैं आंसर में, x इक्वल टू जीरो। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू जीरो क्यों होता है, क्योंकि एक्स अक्ष पर हर जगह y का मान क्या होता है, जीरो। इसलिए एक्स अक्ष का समीकरण कितना लिया गया, y इक्वल टू जीरो। y अक्ष का समीकरण का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू जीरो क्यों होता है, क्योंकि y अक्ष पर हर जगह किसका मान जीरो होता है, x का। इसलिए y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x इक्वल टू जीरो। समझ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 14 में एक समीकरण दे दिया गया है, कहता है कि बताइए कि जो चार गो ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस समीकरण का हल होगा। क्या दिया, 14 नंबर में एक समीकरण दे दिया गया है, समीकरण क्या है, 2x plus y बराबर 5। उसके बाद नीचे चार को ऑप्शन दे दिया है, चारों ऑप्शन में x का मान y का मान है, x का मान y का मान है, x का मान y का मान है। कहता है कौन ऑप्शन इस समीकरण का हल होगा, कौन सा ये समीकरण का हल होगा। बहुत आसान है बाबू, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एक समीकरण दे दिया रहेगा, चार को ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा कौन इनमें से इस समीकरण का हल है, कौन सा ऑप्शन इस समीकरण का हल है। बाबू जो ऑप्शन का मान समीकरण को संतुष्ट करेगा, वही मान, वही ऑप्शन उस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। वही एक्स वाई का मान उस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। क्या बोले हैं, सबसे पहले एक्स और वाई का मान जो भी दिया रहेगा ऑप्शन में उसको बैठाएंगे, कहां बैठाएंगे, समीकरण में। और अगर समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो वही एक्स और वाई का मान, वही ऑप्शन उस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है, समीकरण संतुष्ट करने का मतलब होता है बाबू, दिया हुआ एक्स और वाई का मान को यदि हम समीकरण में बैठाएंगे और उसको हल करेंगे तो लेफ्ट का मान और राइट हैंड का मान बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान बराबर आना चाहिए। अगर बैठाने के बाद बराबर आ गया, इसका मतलब वो मान उस समीकरण को संतुष्ट किया, और अगर संतुष्ट किया तो वही मान उस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। देखिए चार को ऑप्शन दिया गया है, उसमें से सी ऑप्शन में एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 2, वाई का मान कितना दिया गया, 1। अगर हम ये दोनों का मान समीकरण में बैठाएंगे, अगर ये दोनों का मान समीकरण में बैठाएंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया कि नहीं, बराबर आया कि नहीं, इसका मतलब यही मान इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। बाकी बात जो तीन वो ऑप्शन बचा है, मान बैठा के देख लो, आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगा, इसलिए ये तीनों में से कोई भी इस समीकरण का हल नहीं होगा। जो समीकरण को संतुष्ट करेगा यानी एक्स और वाई के जगह पर बैठाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर दे देगा, वही मान उस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, यही काम कीजिएगा, तुरंत ऑप्शन मारिएगा, आपका सही बनेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। 15 नंबर में यूक्लिड का एक कथन दिया गया है, कहता है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो बताइए ये जो कथन है ये क्या चीज को बता रहा है। ऑप्शन में दिया है, एक उपपत्ति को बता रहा है, एक अभिगृहित को बता रहा है, एक परिभाषा को बता रहा है कि एक अभिधारणा को बता रहा है। बाबू 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में आप यूक्लिड की धारणाएं, यूक्लिड के बारे में आप पढ़े होंगे। यूक्लिड ने बहुत कुछ बताया उस चैप्टर में, कुछ परिभाषा के बारे में बताया, कुछ अभिधारणा के बारे में बताया, कुछ अभिगृहित के बारे में बताया। बाबू अभिधारणा जो होता है ना वो केवल ज्यामिति में प्रयोग किया जाता है। कुछ कुछ ऐसा कथन है जो केवल ज्यामिति, गणित के ज्यामिति ही चैप्टर में लागू होगा,
उसको अभी धारणा करते हैं। और कुछ कुछ कथन ऐसा है जिसको आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हो, ज्यामिति में कहीं भी, गणित का कोई भी अध्याय में आप प्रयोग कर सकते हो, उसको अभिगृहित बोला जाता है। तो बोला है कि बताइए सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्या होगा ये जो बोला है कथन, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये क्या चीज को बता रहा है, अभिधारणा का। क्योंकि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये कहां खास करके ज्यादा प्रयोग होता है, ज्यामिति में, इसलिए ये क्या चीज को बता रहा है, अभिधारणा को। और अगर कोई भी कथन सब जगह प्रयोग होगा, कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभिगृहित बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभिगृहित। और केवल जो ज्यामिति में प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिधारणा। तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये क्या चीज को बता रहा, अभिधारणा को। चैप्टर नंबर 5, 9 क्लास के चैप्टर नंबर 5 में अभिगृहित के बारे में लिखा हुआ है कुछ कुछ कथन, अभिधारणा के बारे में लिखा हुआ है कथन, परिभाषा के बारे में लिखा हुआ कथन, वो जरूर पढ़िए, याद कीजिए, जब भी एग्जाम में पूछे फटाक से मार, ऑप्शन मारिए। चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा कुछ कुछ कथन परिभाषा का, कुछ कुछ कथन अभिधारणा का, कुछ कुछ कथन अभिगृहित का। 16 नंबर में बोला है बाबू एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अरे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। कितना रेखाएं खींची जाती है, अनंत। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। 17 नंबर में बोला बाबू 70 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, 70 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा बाबू, 20 डिग्री होगा। पूरक कोण कहते किसको है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तब वही दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहलाता है, पूरक कोण। आपको एक कोण पता है 70 डिग्री, तो बताइए उसमें कितना जोड़ेंगे, 90 आएगा 20, कितना जोड़ेंगे 90 आएगा 20, इसलिए 70 का पूरक कोण कौन कहलाएगा, 20। लेकिन यहां रहता समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर उसमें से मान लो एक कोण रहता है 120 डिग्री, तो उसका समपूरक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। क्योंकि 120 में कितना जोड़ेंगे, 180 आएगा, 60 जोड़ने के बाद 180 आएगा, इसलिए 120 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 60 डिग्री। पूरक में योग 90, संपूरक में 180। पूरक कोण अगर पूछा तो जो दिया गया है उसमें कितना जोड़ेंगे, 90 आएगा, वही उसका पूरक कोण होगा। अगर संपूरक पूछेगा तो दिया हुआ कोण में कितना जोड़ेंगे, 180 आएगा, जो आप जोड़े वही किसका आंसर होगा, संपूरक का। कितना आसान है, अगर पूछा जरूर बनाना। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कि एक कोण है से दो कोणों के योग के बराबर है, कोई त्रिभुज है उसका एक कोण है से दो कोणों का योग के क्या है, बराबर है। तो बताइए वो कौन सा त्रिभुज होगा बाबू। ये बात हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है, ये बात हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है। समकोण त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जिसका अकल्य एक कोण जो होता है ऐसे दो कोणों के योग के हमेशा बराबर होता है, हमेशा। एक किस त्रिभुज में लागू होता है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है बाबू, 90 डिग्री। तो जब भी जो दोनों कोण बचा उसका योग भी हमेशा कितना आना चाहिए, 90, क्योंकि ये अकल्य 90 हो गया। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 90 हो गया तो ये दोनों का जोड़ 100% पक्का कितना आना चाहिए, 90। इसका मतलब समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे, समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 19 में बाबू एक चित्र बना दिया है, देखिए क्या बनाया गया है, ये 50 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और ये बाहर वाला एक्स है। तो कहता है एक्स का मान क्या होगा, सो पूछ रहा बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो इस तरह का चित्र बनाया हुआ है, देखिए एक आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज के दो कोण दिया हुआ है और एक बाह्य का कोण दिया हुआ है एक्स, एक बाह्य का कोण दिया हुआ है एक्स। हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है यानी जो बाहर वाला कोण होता है, उस त्रिभुज के दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है।
जानते हैं कि नहीं, पढ़े हैं कि नहीं? बताइए इस त्रिभुज में एक्स बाह्य कोण का काम कर रहा है कि नहीं? बाह्य कोण का काम कर रहा है। 40 और 50 इस त्रिभुज के अंता अभिमुख कोणों का काम कर रहा है, काम कर रहा है ना। तो हम लोग जानते क्या है कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण जो होता है से दोनों अंता अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी ऑप्शन। 20 नंबर में चार को ऑप्शन दे रखा है बाबू, बोलता है इनमें से कौन सा सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, यानी इन चारों में से कौन सा सर्वांग समता का नियम नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि सर्वांग समता का पांच नियम होता है, देखिए वो पांचों नियम क्या क्या है। पहला नियम है ACS, दूसरा नियम है ASA, तीसरा नियम है AS, चौथा नियम है SSS और पांचवा नियम है RHS। अब देख लो ऑप्शन में ये पांचों के अलावा क्या, कौन ऑप्शन में क्या क्या लिख दिया है, जो लिखा हुआ है ये पांचों के अलावा कोई ऑप्शन में वही सर्वांग समता का नियम नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में तीन को ये लिख दिया, ये सर्वांग समता का नियम नहीं है। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है बाबू, दो त्रिभुज हूबहू आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अगर दो त्रिभुज आपस में बराबर हो जाए या कोई भी आकृति अगर बराबर हो जाए आपस में हूबहू सेम, एक दूसरे को पूरा तरह से ढक ले, तो वो दोनों आकृति आपस में क्या कहलाता है, सर्वांग समता। और कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम यानी हूबहू एक दूसरे को ढकता है, इसके लिए कितना नियम है, पांच नियम। पहला नियम है SAS, दूसरा नियम है ASA, तीसरा नियम है AAS, चौथा नियम है SSS और पांचवा नियम है RHS। क्वेश्चन नंबर 21 में बाबू एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC जिसमें AB बराबर क्या दे दिया है, AC, और कोण ACB बराबर कितना दे दिया है, 70। आपसे पूछ रहा है ABC का मान, किसका मान पूछ रहा है, ABC का मान पूछ रहा है बाबू। एक त्रिभुज है ABC बाबू, कौन सा त्रिभुज है, ABC, जिसमें AB और AC क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है बाबू। ACB का मान कितना दे दिया है, 70। आपसे क्या पूछ रहा है, ABC का मान, ई कोण का मान पूछ रहा है। अरे ई भी कितना होगा, 70 होगा, कैसे, क्योंकि तो ये त्रिभुज में AB बराबर क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। दो भुजा बराबर तो दोनों का सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर। सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर, उसमें से एक कोण पता 70, दूसरा का भी कितना होगा, 70, यानी ABC का मान कितना होगा, 70 डिग्री होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 22 में एक चतुर्भुज के चारों कोणों का मान अनुपात में दिया है, तो कहता है बताइए सबसे छोटा कोण कौन सा होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 22 में एक चतुर्भुज है जिसका चारों कोणों का मान क्या चीज में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। क्या चीज में दिया हुआ है, अनुपात में। तो कह रहा है कि बताइए इनमें से सबसे छोटा कोण कौन सा होगा बाबू। कभी भी अनुपात को अलग करके लिखते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, चर लगाते हैं, यानी एक्स लगाते हैं। कभी भी अनुपात से तुम अनुपात का संख्या को अलग करके लिखना चाहोगे, क्या लगा के लिखना होगा, चर। चर मतलब एक्स, एक्स क्या लगाएंगे, एक्स लगाएंगे। चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ बाबू, तब पहला कोण अगर हम लिखेंगे अलग करके तो क्या लिखेंगे, 3x। दूसरा कोण को अगर हम अलग करके लिखेंगे क्या लिखेंगे, 5x। तीसरा कोण को अगर हम अलग करके लिखेंगे क्या लिखेंगे, 9x। चौथा कोण को अगर हम अलग करके लिखेंगे क्या लिखेंगे, 13x। कितना लिखेंगे, 13x बाबू। चारों कोणों आपको पता हो गया, लेकिन एक्स में पता हो गया। हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब ये चारों को जोड़ेंगे तो कितना बराबर लिखेंगे, 360 डिग्री बराबर। चलिए जोड़िए इधर, 5 3 8, 8 8 9 कितना, 17। 17 और 13 कितना हो गया, 30x। बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। x बराबर कितना आ गया, 360 भागा 30, काटेंगे कितना आ गया, 12। तो कह रहा सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, पहला कोण होगा 3x, सबसे छोटा कोण होगा। कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, x का मान बैठा दीजिए, कितना डिग्री आंसर होगा बाबू, 36 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन कौन होगा, ये होगा।
कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे बाबू, चतुर्भुज के चारों कोनों का मान अनुपात में देगा। सबसे पहले सभी कोण को अलग अलग लिखेंगे, क्या लगा करके, एक्स लगा करके। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना आता है, 360 डिग्री। उसके बाद चारों कोनों को जोड़ेंगे, कितना बराबर लिखेंगे, 360 डिग्री के बराबर। उसके बाद वहां से किसका मान आ जाएगा, एक्स का। उसके बाद छोटा कोण अगर पूछा है तो छोटा वाला कोण में बैठा देंगे एक्स का मान। अगर बड़ा कोण पूछा है तो इसमें बड़ा कोण कौन सा होगा, 13x, उसमें बैठा देंगे एक्स का मान, बड़ा कोण आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन त्रिभुज में रहता, एक त्रिभुज रहता, उसका तीनों कोण अनुपात में दे दिया रहता, लिखते पहला कोण एक्स लगा के, दूसरा कोण एक्स लगा के, तीसरा कोण एक्स लगा के, फिर तीनों कोण का योग कितना लिखते हैं, 180 डिग्री। किसका मान निकलता, एक्स का। उसके बाद छोटा कोण बोला, छोटा में बैठा देते, बड़ा कोण बोला, किस में बैठा देते हैं, बड़ा में बैठा देते। आया समझ में, इस तरह बनाएंगे क्वेश्चन, छूटना नहीं चाहिए। गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, समझने का कोशिश करो, बार बार वीडियो को देखो, धीरे धीरे देखो, स्पीड को धीरे कर लो, उसके बाद देखो, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा।